तो दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 25,438 करोड़ के आसपास, पिछले साल 38,175 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिले, 22,517 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 42% के आसपास की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 11% के आसपास की, तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 24,731 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 37,771 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 22,187 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी ने खर्चे बहुत हद तक इस क्वार्टर में कंट्रोल किया है, लेकिन जो रेवेन्यू के अंदर जो बड़ी गिरावट है वो बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 676 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 432 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 333 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 50% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट और रिवेन्यू जो है वो बड़े लार्ज अमाउंट में इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5.91 रुपये का, पिछले साल 4 रुपये का, गिर के अभी देखें तो 2 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर देखने को मिले हैं, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से चिंता वाली बात है। प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है चलिए मान लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू के अंदर साल दर साल इतनी बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से बहुत मतलब मार्केट के लिए प्रॉब्लम वाला बात हो जाएगा। हो सकता है तो अच्छी खासी गिरावट भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।